नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहली खबर देहरादून से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज मनाई गई। वाजपेयी की जयंती पर पवेलियन ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कार्यक्रम को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया है। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है और 96वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जहां पर आज के दिन कई ऐसे जगह है जहां पर कार्यक्रमों का आयोजित किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वाजपेयी की जयंती पर पवेलियन ग्राउंड में आज कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया है, जिसके दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को भी संबोधित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के तमाम उन कार्यों को याद दिलाया है और संबोधन में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और साथ ही साथ उनके व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसे याद करते हुए लोगों को संबोधन में उनकी याद दिलाई है और कहा है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी छाप छोड़ी है, आज भी लोग उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के कोई कभी दुश्मन नहीं रहे हैं, वो आज भी उसी तरीके से बरकरार है। तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता आज सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के दिन याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और ऐसे में एक कार्यक्रम के दौरान ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन उन्हें याद किया है। वाजपेयी जी की को आज पवेलियन ग्राउंड में एक कार्यक्रम जहां पर आयोजित किया गया था, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया, उन्हें नमन किया है और साथ ही उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों को याद किया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में प्रदेश में सामने आए अब तक 436 नए केस। कोरोना की वजह से 11 संक्रमितों ने दम तोड़ा है, तो प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब तक 88,376 पहुंच चुकी है और प्रदेश में अब तक 1,498 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 80,467 ऐसे मरीज है जिन्होंने कोरोना को मात देने का काम किया है और ठीक होकर अपने घरों को सही सलामत लौटे हैं। तो देहरादून में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं नए कोरोना केसेस की अगर बात करें, तो 143 ऐसे केस बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार कोरोना का कहर देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटे में अब तक 436 ऐसे नए केस है जो सामने आ चुके हैं और वही 143 लोग हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 88,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और प्रदेश में अब तक 1,458 मरीजों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। 80,467 मरीज ऐसे हैं जो अब तक कोरोना को मात देकर ठीक होकर अपने अपने घरों को सही सलामत लौट चुके हैं। तो देहरादून की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे के वो आंकड़े। लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ये तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 436 ऐसे नए केसेस बताए जा रहे हैं जो उत्तराखंड में पिछले बीते 24 घंटे में आ चुके हैं। 88,000 के आंकड़े को पार कर चुका है कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 88,000 ये कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं 80,000 ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है, कोरोना वायरस जो महामारी है उसे मात दी है और ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी सुशासन दिवस की बधाई और क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जारी किया है ये संदेश। राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है। ओम प्रकाश का कहना है कि जीरो टॉलरेंस जो नीति अपनाई गई थी उस पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है और जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ईमानदारी और सुशासन की दिशा में जो कार्य कराए जा रहे हैं उस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो सरकार के प्रयासों से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी देखी गई है, ओम प्रकाश का ऐसा कहना है। तो मुख्य सचिव है ओम प्रकाश, जिन्होंने सुशासन दिवस की बधाई देते हुए साथ ही क्रिसमस और नववर्ष की भी शुभकामनाएं लोगों को दी है एक संदेश के जरिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई गई थी उस पर जोरों शोरों से काम लगातार अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है और सरकार ने जिस तरीके से इस नीति को अपनाया और लोगों को ये संदेश जारी किया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, उस पर सही तरीके से कार्य भी इस वक्त भी चल रहा है। सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज क्रिसमस का पर्व भी है, आप सभी को क्रिसमस
एवं नव वर्ष की भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत पूर्ण ईमानदारी से सुशासन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। राज्य में सरकारी धन के अपव्यंजन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकारी कामकाज में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने तथा जन सेवाओं को प्रदेश के नागरिकों को ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु विगत वर्षों में शासन द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सरकार के इन प्रयासों से जहां सरकारी धन के अपव्यंजन के मामलों में कमी आई है, वहीं पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का बड़ा असर देखने को मिला है। ब्रिज एंड रूफ कंपनी ने 18 करोड़ रुपए को वापस कर दिया है। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को 18 करोड़ रुपए कंपनी ने वापस किया है। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को वापस किए गए हैं ये रुपए। तो अगस्त महीने में कंपनी को कुल 20 करोड़ रुपए गलत तरीके से दिए गए थे, जिसको वापस कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपए का GPR और अन्य प्रशासनिक खर्च हो गया, कंपनी का ऐसा कहना है, और जो बाकी बचा हुआ रकम है उसे वापस करने का काम किया जा चुका है। इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि भ्रष्टाचार जो देहरादून में फैल रहा था, उस पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया जा रहा है और उसका असर भी देखा जा सकता है। देखिए कोमल, ये एक बड़ा मामला है ना, और ये कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो है वो श्रम विभाग के अंतर्गत आता है, और हालांकि एक ऑटोनोमस बॉडी है। विभागीय मंत्री के तौर पर मंत्री हरक सिंह रावत इसके मंत्री हैं और वो इसके चेयरमैन भी रहे हैं। और पिछले दिनों जब 20 करोड़ रुपया इस एजेंसी को दिया गया, कंपनी को, हालांकि भारत सरकार का एक उपक्रम है कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, लेकिन कोटद्वार में अस्पताल बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था तो उसके लिए पैसा दिया गया। पैसा जारी होने के कुछ समय बाद ही ये चर्चा उठने लगी कि जो पैसा जारी किया गया है, जो दिया गया है, ये पूरी तरीके से जो नियम अपनाए जाने चाहिए थे, प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, वित्त विभाग की परमिशन, शासन की परमिशन, वो नहीं ली गई और मनमर्जी तरीके से दे दिया गया, और डिस्प्यूट बढ़ा तो खुद। लेकिन फहीम, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर 20 करोड़ रुपए गलत तरीके से सहेली के लिए तो गए थे ना, लेकिन अब जब वापस करने की बात आई तो केवल 18 करोड़ किए गए, 2 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कह रहे कि इधर उधर खर्च हो गया। देखिए कंपनी ने कहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च हो गया है उनका तमाम DPR बनाने में और दूसरे काम में, लेकिन सरकार ने उसको भी वापस करने के लिए कहा है। एक बात तो पैसा वापस करने की भी, लेकिन जो आपने सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है, और ये सवाल उठता है स्वाभाविक तौर पर कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और इसमें एक जो अहम तथ्य है वो ये है कि जब पिछले दिनों मामला उठा की बात आई तो फिर मंत्री हरक सिंह रावत को इसके चेयरमैन पद से हटा करके दूसरे शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बनाया गया था, और उनके नजदीकी दमयंती रावत सचिव पद से भी हटा दिया गया था, और उसके बाद इसकी जांच फिर तरीके से आगे बढ़ी थी। और आपको ध्यान होगा कोमल, मंत्री हरक सिंह रावत ने इन विवादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि जो जारी किया गया है तत्कालीन समय में, उस समय वो अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि मंत्री एक तरफ कहते हैं कि जब पैसा जारी किया गया वो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, और फिर अगर प्रक्रिया अपनाई गई थी तो कंपनी ने पैसा वापस क्यों किया? इसका मतलब कि जो तरीका था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जो अनुमति लेनी चाहिए थी सरकार शासन से, वो नहीं ली गई और मनमर्जी तरीके से पैसा जारी किया गया था। तमाम सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार जवाबदेही जो बनती है उस पर अब देखना होगा कि आगे किस किस पर इसकी गाज गिरती है। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी अपडेट्स हम अगली खबर पर भी लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड में खत्म हो गया है शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश, और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किया है यह आदेश। कोविड काल के चलते शुरू हुई थी 2 नवंबर से कक्षाएं, और शिक्षकों को 10वीं और 12वीं के शिक्षण कार्य जारी रखने के निर्देश जारी किए गए थे। तो बाकी कक्षाएं शीतकालीन अवकाश के लिए अब तक जो बंद रही थी उन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में जिले के DM ले सकेंगे छुट्टी का निर्णय। तो DM ने के तरफ से कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है या विपरीत परिस्थितियां बनती हैं जिले में, तो फिर DM से
छुट्टियों का निर्णय लिया जा सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और जो छुट्टियां अब तक दी जा रही थी, कहा जा रहा है कि डीएम से छुट्टियों का निर्णय लिया जाएगा। देखिए सुरभि, सामान्य तौर पर शीतकालीन अवकाश होता है स्कूलों में, विंटर वेकेशन बोला जाता है जिनको अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, और चूंकि इस बार कोरोना काल में सभी स्कूल बंद रहे हैं और 2 नवंबर से उत्तराखंड में केवल हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग ने भी आकलन किया और जो तमाम फीडबैक है कि जो सिलेबस है वो उस तरीके से ऑनलाइन पूरा नहीं हो पाया, और चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं होनी है तो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि विंटर वेकेशन इस साल नहीं होंगी। हालांकि 2 ही कक्षाएं चल रही हैं तो 2 ही कक्षाओं को प्रभावी होगा, क्योंकि बाकी 9th क्लास तक और 11वीं क्लास की कक्षाएं तो चल नहीं रही हैं, उनके बच्चे सब ऑनलाइन हैं, घर पर हैं, तो लिहाजा अब ये विंटर वेकेशन नहीं होगी और जो शिक्षक और बच्चे तैयारी कर रहे थे विंटर वेकेशन की वो नहीं होगी। जहां तक बात है डीएम के निर्णय लेने की, तो वो सामान्य तौर पर होता है कि जब सर्दियों में बहुत बारिश ज्यादा होती है या कहीं शीत लहर होती है या मौसम विपरीत होता है तो डीएम समय समय पर निर्णय लेते हैं, तो वही निर्णय लेने की गलती फिर से दे दीजिए। तो यानी अगर डीएम चाहे किसी की छुट्टी रखना वो एक अलग मसला होगा। ठीक है, वैसे फहीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ही चल रही थी या फिर अन्य कक्षाओं का भी संचालन हो रहा था, और ऐसे में शीतकालीन अवकाश अब समाप्त कर दिया गया है, तो इसको लेकर के जो शिक्षक है उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखी जा सकती है? देखिए शिक्षक संघ ने अभी इसमें कोई आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं दिया है कि आखिरकार वो क्या सोचने हैं, लेकिन जो दूसरी कक्षाएं हैं उसकी कक्षाएं अभी नहीं चल रही हैं, उनकी मंजूरी नहीं है, केवल हाईस्कूल और इंटर की कक्षाओं की, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती है, ये कक्षाएं 2 नवंबर से चल रही थी, तो लिहाजा इन्हीं पर ये आदेश भी प्रभावी होगा, क्योंकि बाकी क्लासेस तो वैसे ही वो ऑनलाइन चल रही है, तो उसमें वेकेशन अलग से घोषित करने की जरूरत नहीं है, शासन का ये कहना। ठीक है, तो एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर फहीम कि अगर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स है, जो क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, उनके माध्यम जो परीक्षा होनी है बोर्ड की, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां इन शिक्षकों की तरफ से करवाई जा रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में ज्यादातर क्लासेस तो ऑनलाइन ही करवाई गई थी। देखिए बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर करवाई गई थी, लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन नहीं होंगी, फिजिकली होंगी, मतलब उनको बच्चों को क्लास में आना होगा, सेंटर्स में आना होगा, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और अभी जो तैयारी है सरकार की शिक्षा विभाग की, वो बोर्ड के बाद से ही परीक्षाएं होंगी, तो लिहाजा उससे पहले परीक्षा नहीं होंगी, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो शेड्यूल है वो देर से तैयार किया जा रहा है, और इसमें एक पहलू सिलेबस का भी है, उस सिलेबस भी उस तरीके से ऑनलाइन पूरा नहीं हो पाया है, तो लिहाजा फरवरी के बाद की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में डोईवाला में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन मनाया गया, सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती, और साथ ही साथ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कई ऐसे कार्यक्रम है जो उत्तराखंड में आयोजित किए गए, और ऐसे में ही इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, मोदी की तरफ से जो संबोधन दिया जा रहा था, तो पीएम मोदी को भी यहां पर लोगों ने सुना है। डोईवाला में 9,789 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त हो चुका है। तो आज पीएम मोदी ने कई किसानों को संबोधित किया है, कई राज्यों के किसानों को संबोधित करते हुए, और उन्होंने साथ ही साथ किसान सम्मान निधि का लाभ भी किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है, डिजिटल माध्यम से इस प्रयास को सफल बनाया गया। और हम आपको बता दें कि लगातार 70 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने की बात जो की जा रही थी, तो आज उसका भी लोकार्पण किया गया पीएम मोदी की तरफ से, और उनके संबोधन में कई लोगों ने यह भी सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अटल जी के जो जन्म दिवस है और आज हम सुशासन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, अटल जी को हम भारत रत्न के उपाधि मिली है, मैं उनका आज श्रद्धांजलि देने भी आया हूं, और आज देश के प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि पूरे देश के लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आज 2,000 रुपये सीधे उनके खाते में डाले हैं, और इससे जो है किसान की आय भी दुगनी हो रही है, देश का किसान खुशहाल भी है,
और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, अभी आप देख रहे होंगे कि सीधे जो किसान लाइव प्रधानमंत्री जी से जुड़े हैं, सारे देश के किसान कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। और मैं देश के किसानों से कह सकता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमारी सरकार जो है रात दिन काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में 0% पे 4.5 लाख किसानों को अभी तक 1 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये जो है लगभग 2600 करोड़ रुपये अभी तक दिए जा चुके हैं। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।